कृष्णा ये आदि बद्री है, यहाँ पे पहले बद्रीनाथ इधर थे बोलते थे, बद्रीनाथ केदारनाथ ये आदि है, बाद में उत्तराखंड में गए ये जो महादेव जी और बद्रीनाथ जी, तो बहुत हजारों साल पुराना ये जगह है। तो यहाँ पे पदयात्रा के भक्त लोग गए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, और इधर सरस्वती नदी है, गंगोत्री यमुनोत्री भी है, बहुत अच्छा रमणीय जगह है। यहाँ पे पदयात्रा के भक्त पहुँचे हैं, तो हम आप सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप भी कभी इधर आ सकते हैं, या बद्रीनाथ जी की कृपा आप सभी के ऊपर हो, ऐसे बद्रीनाथ जी के चरणों में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये कपाल मोचन तीर्थ है, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के पीछे पड़े थे वो मोहित होके, तब शिव जी ने उनका मुख एक काट दिया था, तो वो फिर शिव जी के हाथ में चिपक के रहा, तो वो उन्होंने सभी जगह पे स्नान किया, लेकिन वो कपाल नहीं कर रहा था। इधर आने के बाद स्नान करने के बाद उनका जो कपाल हाथ में चिपक गया था वो निकल गया, इधर गाया और बछड़ी ने बताया, उन्होंने भी कोई ब्रह्म हत्या का पाप किया था, तब से ये कपाल मोचन तीर्थ से ये जाना जाता है। तो आज पदयात्रा के भक्त इधर सब गए हैं, उत्तम नारायण प्रभु और भी शांति परायण प्रभु, सब भक्तों लोग आके इधर दर्शन किया, स्नान किया, पाची पांडव ने भी इधर स्नान किया, और गुरु नानक जी है उन्होंने भी इधर स्नान किया, तो ये बड़ी महिमा है यहाँ की। हरे कृष्ण वो तो वो करेगा नहीं। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम